और खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं एक बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। दरअसल ज्ञान व्यापी केस में सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई की गई और आदेश भी सामने आया है। ज्ञान व्यापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप तक पहुंचा दें। दरअसल उन्होंने कहा कि जिला अदालत मामले पर फैसला ले। मामला अभी निचली अदालत में है, कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से, सर्वोच्च न्यायालय की ओर से जिला अदालत मामले पर फैसला दे, ये टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। तो बड़ी और अहम खबर ज्ञान व्यापी मामले को लेकर, जिस तरह से मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे की कार्रवाई को रोकने के लिए याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये बड़ा फैसला दिया है और कहा है कि अभी मामला निचली अदालत में है, पहले निचली अदालत फैसला दे। तो बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। दरअसल ज्ञान व्यापी केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आया है और साफ तौर पर कहा गया है कि मामला अभी निचली अदालत में है। बड़ी और अहम खबर ज्ञान व्यापी मामले को लेकर, जिस तरह से वाराणसी की कोर्ट की ओर से आदेश के बाद 3 दिनों तक लगातार सर्वे का कार्य पूरा किया गया और इस बीच एक बड़ा दावा लगातार किया जा रहा है हिंदू पक्ष की ओर से, और हमारे आउटपुट हेड वरुण गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और बातचीत के लिए। वरुण जी, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है सामने, जिस तरह से पूरा मामला लगातार तूल पकड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है मामला अभी निचली अदालत में है, क्या कुछ इसके मायने किस तरह से देखा जाए? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी है वो ये कि गुरुवार को सुनवाई होनी है, लेकिन उस जगह के संरक्षण के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं और कहा है कि डीएम को इसके निर्देश दिए जाएंगे। बड़ी बात कोर्ट ने कही है कि अगर कोई शिवलिंग मिला है तो उसका संरक्षण जरूरी है, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि फिलहाल अभी नमाज भी नहीं रोकी जानी चाहिए। तो जब ये सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि ये मालिकाना हक का केस नहीं है, सिर्फ पूजा का अधिकार मांगा गया है। तो मुस्लिम पक्ष के वकील की ओर से कहा गया कि माँ श्रृंगार गौरी गणेश और दूसरे देवताओं के पूजा दर्शन का और आरती का अधिकार मांगा जा रहा है, इससे उस जगह की जो अभी जो ज्ञान व्यापी जिसे मस्जिद कहा जाता है उसकी स्थिति बदल जाएगी। और हमने हाई कोर्ट के कमिश्नर की नियुक्ति को भी चुनौती दी थी, वो खारिज हो गई, कमिश्नर बदलने की मांग को भी ठुकरा दिया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ही कमीशन ने कब काम किया, तो फिर मुस्लिम पक्ष ने बताया कि 14 और 15 मई को उन्होंने काम किया जबकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही थी। और उसके बाद ये कह दिया गया कि शिवलिंग मिला है और निचली अदालत ने सीलिंग का आदेश पारित कर दिया जबकि ये कार्रवाई गोपनीय रखी जानी चाहिए थी। और जिस बात पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई वो ये कि नमाजियों की संख्या सीमित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवेदन में काफी मांगे बाकी गई हैं लेकिन कोर्ट ने बस सीलिंग का आदेश दिया है। और कोर्ट ने कहा कि ठीक है भाई, हम आदेश देंगे कि जो आवेदन दाखिल हुआ है सिविल कोर्ट उसका जल्दी से निपटारा करे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ये भी देखे कि निचली अदालत में ये बात चलना चाहिए था या नहीं। तो ये सारी जो पूरी बहस चली है, ब्रेक हुआ, उसके बाद अंत में जो चर्चा हुई उसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम अभी जो शिवलिंग मिला है उस जगह को सुरक्षित रखने के निर्देश दे रहे हैं लेकिन नमाज से नहीं रोका जाए। लेकिन जो दूसरा पक्ष था उनकी ओर से कहा गया कि अगर वजू खाने में शिवलिंग मिला है जहां हाथ पैर धोने की जगह है तो फिर हमें आशंका है कि शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सुरक्षा का आदेश देंगे और उसके बाद ये जो सुनवाई है वो आगे होनी है। लेकिन अंत में कोर्ट ने कहा कि 2 दिन बाद यानी गुरुवार को सुनवाई होगी, अभी उस जगह के, उस वजू खाने के जहां पे शिवलिंग मिलने की बात है उस जगह के संरक्षण के आदेश दे दिए गए हैं। और साथ ही ये भी कह दिया है कि अगर कोई शिवलिंग मिला है तो उसका संरक्षण जरूरी है पर फिलहाल नमाज नहीं रोकी जानी चाहिए। वरुण जी, लेकिन एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी आई है, वाराणसी कोर्ट में भी एक आज बड़ा फैसला लिया गया इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया गया और भी कई अहम टिप्पणियां की गई, 2 दिन का वक्त और दिया गया है जो बाकी के कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे, स्थिति कहीं ना कहीं सुलझने की बजाय अब उलझती हुई और ज्यादा नजर आ रही है ऐसा लगता है। देखिए, क्योंकि 2 सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है इस पूरी कार्रवाई को रोकने की और दूसरी और जो वाराणसी कोर्ट में सुनवाई हो रही है वो है जो मौजूदा साक्ष्य वहां जमा कराए जा रहे हैं। कोर्ट कमिश्नर ने 2 दिन का वक्त मांगा, 1 कोर्ट कमिश्नर को हटाया गया है, 2 उसमें बरकरार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले पर ही रोक लगाने की मांग थी जिस पर फिलहाल कोर्ट ने 2 दिन बाद सुनवाई करेंगे, सुनवाई और आगे चलनी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर वहां पर शिवलिंग है तो उसका संरक्षण जरूरी है और उस लिहाज से कोर्ट ने उसके संरक्षण की बात कही है, लेकिन जो संख्या सीमित करने की बात कही गई थी
उसे कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए फिलहाल, क्योंकि 19 तारीख को बड़ी सुनवाई होनी है, इसलिए नजरें वहां पर रहेंगी। शुक्रिया वरुण जी तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बड़ी टिप्पणी सामने आई है, जिस तरह से बता दें आपको लगातार मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और धर्मेंद्र चौबे वाराणसी से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और बातचीत के लिए। धर्मेंद्र, आज वाराणसी कोर्ट में भी अहम सुनवाई हुई ज्ञानवापी मामले को लेकर, बड़ा फैसला कोर्ट की ओर से लिया गया, कोर्ट कमिश्नर को हटा दिया गया है, 2 दिन का वक्त और दिया गया है, क्या कुछ हुआ आज की वाराणसी कोर्ट की सुनवाई के दौरान, विस्तार से बताएं। देखिए रितेश, जो कोर्ट की सुनवाई 2 बजे से लगातार हियरिंग चली है, पहला तो एक नया मामला निकल कर आया है कि वादी पक्ष द्वारा फिर से कुछ ऐसे अवशेष जो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर है, जो मलबे हैं, उनकी बात रख के 6G के तहत फिर से सर्वे, ऐसा जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाए और सर्वे की कार्रवाई की जाए। और दूसरी, जो अजय सिंह है, उनके द्वारा जो है कोर्ट कमिश्नर को सहयोग न करने, वह लापरवाही बरतने, वह कमीशन की कार्रवाई में कुछ व्यवधान उत्पन्न करने के मामले को लेके स्वतः याचिका दी गई थी, जिस पे कोर्ट संज्ञान लेते हुए अजय मिश्रा को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। अब अजय सिंह और अजय प्रताप सिंह सहायक कोर्ट कमिश्नर, ये दोनों लोग पूरी रिपोर्ट जितनी है उसको तैयार करेंगे और 2 दिन का कोर्ट ने इनको समय और दिया है कि पूरी रिपोर्ट तैयार कर लें, तैयार करके जो रिपोर्ट है न्यायालय की ज्ञानवापी की उसको प्रस्तुत करें। धर्मेंद्र, लेकिन अभी भी एक सवाल काफी ज्यादा बना हुआ है, भले ही लगातार सुनवाई इस पूरे मामले में हुई हो, लेकिन बीती सुनवाई में हमने देखा यह भी था जिस तरह से मुस्लिम पक्ष की ओर से अजय मिश्र को हटाने की बात कही गई थी, हालांकि कोर्ट ने उनके साथ 2 अतिरिक्त और एडवोकेट नियुक्त कर दिए और कहीं ना कहीं एक बार फिर सर्वे का कार्य शुरू हुआ, सर्वे पूरा भी हो गया है, रिपोर्ट आज सौंपी जानी थी हालांकि वो नहीं सौंपी गई है, 2 दिन का वक्त और दिया गया है, किस तरह से देखा जाए इस पूरी स्थिति को? देखिए वाद विवाद की रितेश जो बात हो रही थी शुरू से, अजय मिश्रा वाद विवाद में घिरे हुए थे, लेकिन जो कमीशन की कार्रवाई थी उसमें पूरा सहयोग उनका कहीं ना कहीं रहा, क्योंकि 3 दिवसीय कार्रवाई में किसी तरीके का कोई ऐसा मामला निकल कर नहीं आया जिससे कि वाद विवाद की स्थिति बने। हाँ, लेकिन प्रतिवादी पक्ष द्वारा लगातार कोर्ट कमीशन कोर्ट की कार्रवाई को रोकने का प्रयास किया गया, वहां पे कोर्ट कमिश्नर गए तो वहां पे विरोध किया गया, उसके बाद मंदिर ज्ञानवापी के बाहर नारेबाजी की गई, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेके लगातार विरोध हो रहा है, कमीशन की कार्रवाई को रोकने का प्रयास किया जा रहा है और कमीशन की कार्रवाई में अवरोध डालने का प्रयास किया जा रहा है रितेश। लेकिन धर्मेंद्र, एक गंभीर आरोप अजय मिश्रा पर यह भी लगा है कि दरअसल जो रिपोर्ट है उसकी जानकारियां लीक की गई हैं, इस तरह की जानकारियां भी मिल रही हैं, चर्चा चल रही है। देखिए ऐसी कोई बात अभी तक सहायक कोर्ट कमिश्नर और कोर्ट कमिश्नर अजय सिंह ने नहीं कही है, लेकिन हाँ उस चीज में जो आदेश हुआ है उसमें यह स्पष्ट निकल कर आया है कि इनके द्वारा प्राइवेट फोटोग्राफर और कुछ ऐसे मामले हैं जो ट्रेस आउट मीडिया के सामने इनके द्वारा कर दिए गए थे, उसको लेके कहीं ना कहीं गंभीर आरोप में अजय मिश्रा घिरते नजर आए, जिसको तत्काल प्रभाव से न्यायालय ने संज्ञान लिया है, संज्ञान लेते हुए उसकी पूरी सुनवाई की है, उसके बाद उन्हें हटाया है रितेश। शुक्रिया धर्मेंद्र इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो आज अहम सुनवाई हुई इस पूरे मामले को लेकर, एक बड़ा फैसला भी सामने आया।